वैसे बीएडओ में भी राहुल पांडे आ चुके हैं, देख लो गिरगिट ने रास्ता काट दिया हमारा। उन खच्चर के पीछे ये जा रहा है रामू। ओ रामू, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। अरे वाह, काफी खतरनाक सा भाई पुल है। तो अब जो नजारे आ रहे हैं ना, कमाल। जब आप किन्नौर गेट से आगे आओगे तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के बाद कुछ ऐसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी सीनिक हैं भाई, एकदम मजेदार। और बगल में मेरे ये सतलुज रिवर नीचे बह रही है। अब धीरे धीरे पता क्या हो रहा है, अब चेंजेस मैंने क्या देखे हैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ये चेंजेस देखे हैं। पहले जो हमारे पहाड़ थे ना, उनमें थोड़ी हरी भरी झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, पौधे थे। अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ऐसे गंजे पहाड़ आ रहे हैं। और मेरे को लगता है ये गंजे पहाड़ जब खत्म होंगे ना, तो वो डेजर्ट वाले पहाड़ में एकदम तब्दील हो जाएंगे और नजारे आ जाएंगे फिर जैसे मैंने फोटोज और वीडियोज में देखे थे। अभी का मौसम मजेदार तो नहीं है, हर मौसम मजेदार नहीं होता दोस्त। अभी का मौसम गर्म हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कहीं कोई पेड़ की छांव वगैरह मिले, मैं वहाँ पे जरा 5-10 मिनट आराम करूँ, क्योंकि काफी देर से मैं बाइक चला रहा हूँ और सुबह से मैंने तकरीबन 110 किलोमीटर बाइक चला दी है। तो थोड़ा सा यार बाइक को भी रेस्ट देते हैं, थोड़ा हम भी रेस्ट लेंगे। ये जो नीचे नदी का जो व्यू आ रहा है ना, काफी सही है यार, मजेदार एकदम। और जैसा मैं कहता हूँ, पहाड़ के पीछे पहाड़, देख लो पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। आगे और चितकुल के लिए फिर कहां से रास्ता जाता है? किन से? इनसे? हाँ जी, ये टपरी ऊपर है। हाँ, और चितकुल के लिए वहीं से रास्ता जाता है या यहाँ से? आपको आगे कच्छम मिलेगा। हाँ, कच्छम में पुल है, आपको दिख जाएगा पड़े पड़े। अच्छा, इसके बाद टपरी पड़ेगा, फिर आगे कच्छम डैम से फिर चितकुल जाना पड़ेगा। ठीक ठीक है, थैंक यू। ये वाला पुल देख के मेरे को लगा यार यहीं से मुड़ना है, लेकिन यहाँ से नहीं था रास्ता। आगे अभी टपरी नहीं आया है, तो पहले टपरी आएगा, वहाँ से कर्चम डैम से फिर हमारा चितकुल वाला रास्ता मिलेगा। पहाड़ों के शेप देख के मतलब यार एकदम अलग से ही महसूस हो रहा है मेरे को यार, कैसे कैसे चीजें हैं दुनिया में, मैंने नहीं देखी तो यार मेरे लिए तो अद्भुत ही है ये सब। बाकी जिन्होंने देख रखी है उनके लिए तो कुछ नहीं है फिर तो ये। यहाँ तो इतनी तगड़ी हवा चल रही है ना भाई, गाड़ी को भी हिला दे रही है, इन हवाओं ने हमारी स्पीड को कम कर दिया। तो वैसे ये चढ़ाई है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इन हवाओं ने ना हमारी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये पहाड़ का नजारा ऐसा है, और ये देखो, देख रहे हो कैसा है माहौल यहाँ पे, काफी सही लग रहा है यार। मतलब ऐसे बीएडओ में भी राहुल पांडे आ चुके हैं, देख लो। ओहो, ये तो गिरगिट था, गिरगिट ने रास्ता काट दिया हमारा। माता रानी सब अच्छा करना, गिरगिट ने हमारा रास्ता काट दिया, सब अच्छा होगा सब। खच्चर 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 आ गया बीच में, उन खच्चर के पीछे ये जा रहा है रामू। ओ रामू, और ये दूसरा रामू भी जा रहा है। आगे तो लग रहा है धुंध है बिल्कुल, ऊपर पहाड़ों में ऐसा देखने में आ रहा है पूरी धुंध है। नीचे तो लेकिन गर्मी है, ऊपर ऐसे धुंध सी लग रही है, जैसे कोहरा नहीं होता वैसा लग रहा है। इन पहाड़ों पे कोई चढ़ता होगा क्या? पता नहीं यार चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, मेरे ख्याल से तो नहीं चढ़ता होगा यार। चितकुल से यही बता रहा है वैसे तो। ये बता रहा है, चलिए फिर इसी पे चलते हैं फिर। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। अरे वाह, काफी लंबी राइड होगी। हाँ जरूरी है जिंदगी में। हम भी दिल्ली से ही हैं। अच्छा अच्छा, हम भी बाइकर हैं। अच्छा अच्छा, हमारी बाइक भी जाती है वहाँ तक। अब ये वाली चली गई तो आपकी भी चली जाएगी? हमारी दूसरी ले जा रहा है, हार्ली डेविडसन है वो। अच्छा, छूट जाएगी कुछ उसमें हो गया, जितने की वो टैंकी आएगी उतने की पूरी बाइक लेके आएगी। जी जी जी, हाँ इधर ही जाएगा, मैं भी इधर ही चल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यार कुछ रिकॉर्ड किया था, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैमरा बंद ही रह गया था। तो मैं आपको बता रहा था, जब भी आप यहाँ पे पुल के पास आओगे, दो पुल पड़ेंगे, पहला पुल उसके अंदर मत जाना, दूसरा जो पुल आएगा ना
टपरी जाते समय, उससे आप लेफ्ट होना और वहाँ पे ना कोई साइन बोर्ड नहीं है चिपकुल के लिए, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। दो भाई मिल गए थे दिल्ली से, कार से जा रहे थे वो ताज़ा, मैंने उनसे पूछा यार चिपकुल कहाँ है या कैसे जाना है, तो फाइनली अब चल रहे हैं हम चिपकुल की तरफ। अच्छा लग रहा ना यार, एकदम नीचे नदी बह रही है और दोनों साइड से इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में से रास्ता जा रहा है, रास्ते पे आप मतलब बाइक राइड कर रहे हो, काफी ज्यादा सही एक्सपीरियंस है। और पीछे यार अभी वार्निंग भी लिखी हुई थी यहाँ पे, मतलब तेंदुए वगैरह घूमते हैं, भाई तेंदुआ आ जाएगा तो भाई पता नहीं क्या ही करेगा। वैसे यहाँ लोग हैं इक्का दुक्का। और एक बस आ गई है, इस तरह की यार बहुत सारी बसें चल रही है। अगर आप बाइक से नहीं आना चाहते या कार ड्राइव नहीं करना चाहते इतना लंबा, तो आप बस से आ जाओ। बस पे वो शायद कहीं कहीं रोकते हैं ताकि यार फोटो वीडियो आप थोड़ी सी बना लो 5-10 मिनट, बाकी वो ज़्यादा तो नहीं रोकते हैं। जैसे आप बाइक में या कंफर्टेबल रहेगा रुकने में, कार में भी होता है बैठने और रुकने में, तो इस तरीके से तो नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो चलता है, रिटांग पीओ ताज़ा तक चलता है, उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम फाइनली टपरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मतलब यार बहुत बड़ा कुछ है नहीं, मुश्किल से यार 20 दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं, खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। महज 10 सेकंड भी नहीं हुआ होगा मैंने बाइक से क्रॉस कर ली पूरी मार्केट, और टपरी से निकल के अब हम जा रहे हैं चितकुल की तरफ। टपरी से चितकुल अराउंड 48 किलोमीटर है, तो देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से ये चितकुल हम यहीं से मुड़ेंगे। चितकुल, अच्छा ये वो वाला पुल है जिसमें एक गाड़ी एक ही बार में जाती है। काफी खतरनाक सा भाई पुल है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक पुल लग रहा भाई ये तो। अरे भाई ये तो आवाज कर रहा है, ओ भाई ओहो जल्दी क्रॉस हो जा भाई। इस वाले पुल पे एक गाड़ी एक ही बार में जा सकती है, या तो उधर से आएगी या तो इधर से जाएगी। और इस वाले पुल को क्रॉस करके ऐसा लग रहा था ना भाई अभी टूट ही जाएगा लग रहा है नीचे ही, और नीचे ऐसी गहरी खाई है ना पूछो मत भाई। ये सतलुज रिवर के ऊपर ही बना है पुल, और चल रहे हैं अभी नजारे को एंजॉय करते हुए। और ट्रैफिक का नामो निशान बिल्कुल नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही है बस। अरे भाई चल राहुल चल। ओ भाई इतनी तगड़ी हवा चल रही है ना, ऐसे हिल रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है पुल टूट जाएगा भाई। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था ये। बहुत डरावना एक्सपीरियंस था भाई, अब तो धीरे धीरे डरावना एक्सपीरियंस आ रहा है। वेलकम टू करचम, करचम डैम आसपास ही है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है ये आ गया है करचम डैम। अब यहाँ से चितकुल राइट लेना है 42 किलोमीटर, कल्पा सीधा, रिकांगपियो सीधा और सांगला 18, तो मुझे राइट लेना है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स भी रुके हुए और हम भी रुकते हैं यार थोड़ी देर, कुछ खाते हैं। ओहो रो 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 रो